आज की वीडियो में मैं आपसे इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूं आज की वीडियो के लिए मैंने क्रीवा का लहंगा पहना है जो कि ब्लू लहंगा सबसे पहले हमें मेकअप करने के लिए अपने आ, स्किन को प्रेप करना होता है तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ गुडवाइफ्स की रोज़ मैरी फ़ेस मिस्ट है ये बहुत ही अच्छी वाली फेस मिस्ट है ये आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देती है इंस्टेंटली आपके पोर्स को क्लोज कर देती है ताकि आप जो भी प्रोडक्ट लगाओगे वो पोर्स के अंदर ना जाए ठीक है एंड नाउ सिरम के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ पर्पल की ट्वेंटी कैरेट गोल्ड सिरम ये बहुत ही सुंदर पैकेजिंग में आती है आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो मैं इसको अभी रेगुलर यूज़ कर रही हूँ और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है स्मूथ हो गई है इसको लगाना बहुत ज़रूरी है इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे फेस को बहुत अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि जो भी हम मेकअप करने वाले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट लगे हमारे फेस पर केकी नहीं लगेगा ठीक है देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाइब्स की सैफ्रन फेस क्रीम ये डे क्रीम है आप इसको नाइट में भी यूज़ कर सकते हो अगर आप ब्राइड हो तो ये आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये जो ब्राइडल के लिए लुक होता है उसमें सैफ्रन टर्मरिक बेसन बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ब्राइडल के लिए यूज़ होते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हो ये आपके ब्लेमिशेस पे डार्क स्पॉट्स पे एंड एक्ने पे भी काम करता है सैफ्रन आपके फेस को लाइटन अप करता है ब्राइटन अप करता है आपके स्किन uh, टोन को इवन करता है ठीक है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए 200 के अंदर ये क्रीम मिल जाएगी देन कंसीलर uh, मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं सबसे पहले आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ दैट्स वाई मैं यहाँ पर कंसीलर ले रही हूँ क्योंकि uh, पहले मैंने अपना आई मेकअप करना था कि जो भी कुछ भी फॉल्स आउट होता है तो हम उसको बाद में क्लीन कर सकें बस मैं अपने अंडर आई एरिया पर अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर लूँगी एक ट्राइंगल बना के अपने अपर आईलैश के ऊपर जो मेरी आईलिड है वहाँ पर अप्लाई करूँगी प्लस जहाँ पे भी आपको लगता है कि थोड़े से पिंपल्स के दाग है ब्लैक स्पॉट्स है पिगमेंटेशन है आप वहाँ पे कंसीलर का यूज़ करेंगे एक्सेस प्रोडक्ट को यूज़ करने से बचें तब आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छा लगेगा आज का बेस मैं थोड़ा सा हैवी रख रही हूँ सो इसलिए मैंने कंसीलर ज़्यादा अप्लाई किया है ठीक है अगर आप ब्राइडल लुक कर रहे हैं तो कंसीलर थोड़ा सा आप ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करें क्योंकि वो बहुत ही अच्छा एक डिफिनेशन क्रिएट करता है आपके मेकअप में प्लस यहाँ पर मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जिसको मैंने ऑलरेडी भिगा लिया है मैं इसको ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करती हूँ ड्राई कर लिया है फिर मैंने यूज़ किया है ठीक है एंड देन अब हम इसको करेंगे कॉम्पैक्ट से सेट हमने जो भी आई मेकअप किया है सिर्फ मैं वहीं पर कॉम्पैक्ट का यूज़ कर रही हूँ ये है एन वाई बे की रन वे कॉम्पैक्ट इसमें जो मेरा शेड है वो है ज़ीरो फोर हनी आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो चेक करना मत भूलना बस मैं एक अच्छे से कॉम्पैक्ट वाली ब्रश की मदद से अच्छे से पाउडर से कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी अपने आइज को ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है ठीक है ताकि जो भी हम लगाएंगे आई शेडो वो अच्छे से टिका रहे यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की न्यूड पैलेट है इसमें मैं थोड़ा सा चॉकलेट ब्राउन कलर शेड ले रही हूँ चॉकलेट ब्राउन शेड इसलिए क्योंकि आ, मेरे को क्रीज़ लाइन बिल्ड करना था मैंने अपने क्रीज़ लाइन पर सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट ब्राउन कलर का यूज़ किया है और बस मैं अपने क्रीज़ लाइन को बिल्डअप करूँगी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके ज़्यादा आपको प्रोडक्ट नहीं ले लेना है एक बार में हल्के हाथों से धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे तो आपका जो मेकअप है ना वो काफ़ी इन्हांस होकर आएगा ठीक है एंड गाइस बस आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड करो अच्छे से वक्त लो टाइम लो आई मेकअप में थोड़ा सा अगर टाइम लगता है इट्स ओके क्योंकि ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं अगर जरा से भी मेरी आई मेकअप खराब हुई तो पूरा मेरा लुक खराब हो जाएगा ठीक है एंड बी वेरी केयरफुल आप चाहो तो थोड़ा सा आप नीचे आ, या फिर कुछ लगा सकते हो अपने आइस के नीचे पेपर या फिर सेलो टेप ताकि जो भी फॉल्स आउट हो उस सेलो टेप पर गिरे लेकिन थोड़ा सा आपको एक डिफिनेशन क्रिएट हो जाएगी कहाँ कहाँ पे आपको लगाना है प्रोडक्ट ज़्यादा इधर उधर नहीं लगाना है ठीक है फिर मैं यहाँ पर कट क्रीज बना रही हूँ अभी मैंने कट क्रीज़ नहीं बनाया ये मैं एक शेड ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ जो कि थोड़ी सी ग्रे ऐश ब्राउन ऐश ब्लैक कलर में बोल सकते हो आप मैंने उसको यूज़ किया है आउटर जो मेरा आउटर सेक्शन है आइज़ का वहाँ पे प्लस अब मैं यहाँ पर कंसीलर लगा रही हूँ अपने इनर कॉर्नर से थोड़ा सा मैं क्रीज़ लाइन कट क्रीज करूंगी यहाँ से इसको हम कट क्रीज आई बोलते हैं जहाँ पर हम अपने क्रीज लाइन से लेके थोड़ा सा कट लगाते हैं मिडिल से मिडिल तक ठीक है यहाँ से इनर कॉर्नर से मिडिल तक हम कट लगाते हैं एंड उसको अच्छे से फिर हम ब्लेंड करना होता है आप प्रोसीजर अच्छे से देख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ तो आप अगर नए हो बिगिनर हो आप वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ ठीक है अच्छे से मैंने यहाँ पर एक आईब्रो फिलिंग वाली ब्रश ली है इससे बहुत अच्छी ये जो कट क्रीज है ना वो बहुत अच्छी बनती है तो बस मैंने वहाँ पे अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड किया ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है हम जो भी आई शेडो लगाएँगे मतलब वो स्टे करे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बने इसलिए मैंने कट क्रीज बनाया है ये प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे तो आपका जो आई मेकअप है ना बहुत देर तक रहेगा प्लस इसमें कोई भी फॉल्स आउट नहीं होगा आप जितना भी प्रोडक्ट लेकर लगा रहे हो वहीं पे लगेगा इधर उधर गिरेगा नहीं बस मैंने एक ब्लू थोड़ा सा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ब्लू कलर मैंने लिया है और ब्लू कलर डार्क ब्लू और इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का मिक्सचर है दोनों को कंबाइन करके एक साथ ही लगा दिया है ताकि मेरे लहंगा के साथ जो मेरी आई मेकअप है ना पूरी मैचअप हो जाए प्लस मैंने थोड़ा सा कॉर्नर निकाला है ब्लू आई शेडो के साथ उसी ब्रश की मदद से ठीक है आप देख लो कैसे मैंने निकाला है आप उसी तरह से लगा सकते हो एक अच्छा सा मतलब वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा आई इसका दैट्स वाई मैंने ये काम किया है फिर मैंने नीचे यहाँ पर अप्लाई किया है कंसीलर आप पहले झाड़ लेना अगर कुछ भी फॉल्स आउट होता है झाड़ लेना उसके बाद आपको कंसीलर लेना है कंसीलर के लिए मैंने एन वाई बे की कंसीलर का यूज़ किया है इसमें जो मेरा शेड है वो है प्रेबजल फाइव आपको सारे लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड नाउ मैं यहाँ पर प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ ठीक है मैंने स्किन को पहले ही मॉइस्चराइज कर लिया है सीरम के साथ आ, ओके और क्रीम के साथ सो so, आप यहाँ पर अच्छे से अपनी प्राइमरिंग करेंगे प्राइमर की लेयर लगानी बहुत ज़रूरी होती है मेकअप में इसको अवॉइड मत करें एंड नाउ यहाँ पर मैंने एन वाई बे का ही प्राइमर यूज़ किया है ब्राइटनिंग प्राइमर है ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करती है प्लस थोड़ा सा आपको रेडियंट ब्राइटन इफेक्ट देती है मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लॉरल पेरिस की फाउंडेशन ये ट्रू मैच सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन है काफ़ी हैवी कवरेज प्रोवाइड करती है मीडियम टू हैवी कवरेज प्रोवाइड करेगी प्लस ब्राइडल मेकअप लुक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा प्लस uh, थोड़ा सा हैवी कॉस्ट है इसका 800 या फिर 900 आपको लग जाएगा मैंने इसको पर्पल से ऑर्डर किया है 800 मेरे को पे करना पड़ा था एंड ये सुपर ब्लेंडेबल है एक बार आप लगाओगे ब्यूटी ब्लेंडर लेना है हाथ में वैसे ही ये ब्लेंड होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा ही ये ब्लेंडेबल है आप ब्राइडल मेकअप करते हो तो आपने देखा होगा जो भी आप फाउंडेशन लगाते हो काफ़ी हैवी होता है लेकिन ये हैवी मीडियम टू हैवी कवरेज प्रोवाइड करने के साथ साथ केक ही नहीं लगती है चूंकि बहुत अच्छी क्वालिटी है बिगिनर्स को ज़रूर ये वाला फाउंडेशन लेना चाहिए प्लस मैं पूरे फेस पे अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद अपने ईयर्स पे थोड़ा सा फाउंडेशन लेकर ब्लेंड कर रही हूँ प्लस उसके साथ ही साथ मैंने अपने नेक एरिया को जहाँ पे भी हमारी एक्सपोज हो रही है लहंगा का जो ब्लाउज है वहाँ पर एक्सपोज हो रही है उसको मैंने अच्छे से फाउंडेशन से ब्लेंड कर लिया है नाउ आई एम यूजिंग कॉम्पैक्ट अंडर आई सेक्शन में ताकि जो कंसीलर लगाया है एंड बस मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी जो भी कॉम्पैक्ट मैं यूज़ करूँ यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट के लिए ले रही हूँ स्टे चेक और न्यूडिश कॉम्पैक्ट है ये इसमें मेरा शेड है स्वीट कैरमल फाइव आपको ये शेड बहुत ईजिली मिल जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा वॉर्म डस्की स्किन टोन वालों के लिए मीडियम टू स्किन टोन वाले की सारी जितने टोन्स होती हैं येलो टोन हो गई गोल्डन टोन हो गई थोड़ी सी ब्राउनिश uh, टोन हो गई सब कोई इसको यूज़ कर सकते हैं एंड ये जो कवरेज प्रोवाइड करती है हैवी कवरेज प्रोवाइड करती है ठीक है ये मीडियम कवरेज वाली कॉम्पैक्ट नहीं है काफ़ी हैवी कवरेज प्रोवाइड करती है इसलिए मैंने फाउंडेशन की ज़्यादा लेयरिंग नहीं की थी ताकि आपका जो भी पसीना आ रहा है स्वेटिंग हो रहा है ब्राइड्स को ये प्रॉब्लम होती रहती है सो वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ना आपके ऑयल को कंट्रोल करके रखती है ज़्यादा सेबम प्रोडक्शन नहीं होने देती है जितने भी ऑयल्स निकलेगा इसको सोख लेती है ठीक है इसकी एक खासियत है चलो मैंने अच्छे से एक ब्रश से अपनी पूरी कॉम्पैक्ट को सेट कर लिया फिर मैं यहाँ पर फेक आई लैशेज़ वेयर कर रही हूँ ये जो आई है ये है आम, स्विस ब्यूटी थ्री डी स्टूडियो की तरफ से है ये बहुत अमेजिंग है इसकी जो आई लैशेज़ है ना बहुत नेचुरल लगती है आपके जो eye volume, आपकी जो आई वॉल्यूम आपकी आई लैश की जो वॉल्यूम है उसके साथ मैच हो जाएगी ये एंड बस मैं उसको अपनी जो इसकी जो आई लाइनर की बैंड होती है उसको छुपाने के लिए मैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर की आई लाइनर ले रही हूँ ये है एन वाई बे की लिक्विड आई लाइनर जो छोटी वाली पॉट में आती है थोड़ा सा क्या बोलते हैं ट्राइंगर नहीं रेक्टेंगुलर शेप में आता है ये तो बस उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ताकि मैं जो बैंड लगाया है मैंने जो आई की काली वाली बैंड होती है ऊपर वाली परत जिसको हम चिपकाते हैं ग्लू से तो ग्लू यहाँ पर मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का आपको ग्लू मिल जाएगा मैंने यहाँ वीडियो में नहीं दिखाया है मैंने इसको ऑफ कैमरा लगा लिया था क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मेरा जो वो था एप्लीटर उससे लग नहीं रहा था तो मेरे को ब्रश लगानी पड़ी बस फेक आई लैशेज़ यहाँ पर वेयर कर क्रिलन काफ़ी अच्छा है या आपके आई के साथ मिल जाएगा एकदम नेचुरल लगता है ऐसा नहीं लगता आपने कुछ आई लैशेज़ हैवी वाला लगाया है प्लस ज़्यादा फील भी नहीं होगा हैवी नहीं है एकदम मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है आँखों पे ठीक है चाहो तो इसको कट करके लगा सकते हो फिर आते हैं हम अपनी आईब्रो की फिलिंग पे आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक एन वाई बे की आ, मैंने यहाँ पर आई शेडो पैलेट लिया है जिसमें से मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन प्लस ब्लैक कलर को कंबाइन करके साथ में फिलअप कर दिया है आपको ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है अपना आईब्रो जो है वो थोड़ा सा आप मिनिमम रखेंगे जो आपका शेप है उसी पे फोकस करके नीचे में बस थोड़ा सा पतला आपको स्ट्रोक करना होता है ठीक है पहले आप शुरू करेंगे मिडिल से फिर उसको नीचे उतारेंगे फिर अपने जो आगे वाले आपके आईब्रो से उसको फिल कर देंगे ताकि ज़्यादा वो केकी ना लगे ठीक है नीचे में मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर का यूज़ किया है डार्क ब्लू ग्रे कलर है ये जिसको हम बोलते हैं थोड़ा सा मजबूत मैजेंटा ग्रे कलर है ये जिससे मैंने थोड़ा सा आईलाइनर की तरह नीचे में अपने जो वाटर लाइन के नीचे वाले सेक्शन है जहाँ पर हम काजल वगैरह लगाते हैं वहाँ पे मैंने इसको लगाया है थोड़ा सा ज़्यादा हेवी लुक दिखाने के लिए देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैक की ब्लश है ये इसमें जो मेरा शेड है वो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मेरे को शेड नहीं याद है सो so आप देख लेना मैक की जो ब्लश है वो काफ़ी अच्छी है सुपर पिगमेंटेड है प्लस ये थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट भी करती है सो so इसकी क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी दैट्स वाई मैं लगा रही हूँ क्योंकि मैं जब भी ब्लश लगाती हूँ पता नहीं चलता है ठीक है ये मीडियम टू डस्की स्किन टोन वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये जो मैक की ब्लश है ना इसमें आपको uh, पिगमेंटेशन अच्छी मिलती है लॉन्ग स्टे करती है प्लस ये सुपर ब्लेंडेबल है फिर मैं अपनी नोज़ कॉन्टोरिंग पे फोकस करके नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ यहाँ पर मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है अपने आई शेडो पैलेट में से हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट में से मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लिया है जिससे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ बस आपने यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे लाइन ड्रा करनी होती है जो हमारी मिडिल वाली पोर्शन है उसको छोड़ के दो लाइन आपको पैरल ड्रॉ करनी होती है फिर अटैच करना होता है अपने नोज़ नोज़ के टिप पे ठीक है फिर हम आ, अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे एंड बीच में जो आपका सेक्शन बचता है और दोनों लाइन के बाद वाला जो इधर सेक्शन बचता है नोस नोस्ट्रिल के पास उसको मैं वाइट कलर के कंसीलर पाउडर कंसीलर पाउडर इसी में दिया गया है उसी से मैं उसको फिल कर रही हूँ ताकि जो आपका कॉन्ट्रोलिंग है ज़्यादा हैवी ना लगे और आपकी जो लुक है वो मिनिमाइज़ हो जाए ठीक है आपका नोज़ जो है वो अच्छे से कॉन्ट्रोल हो जाए ठीक है एंड नाउ हाईलाइटिंग बहुत ज़रूरी है ब्राइडल को तो हाईलाइटर से मतलब नहला दो मेरा तो मानना है कि भाई ब्राइड हो तो पूरा नहा लो आप तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड की मेगालो लो हाईलाइटर इन दिस शेड प्रिशस पेटल्स मैं अपने चीक बोन्स को हाईलाइट कर रही हूँ प्लस अपने ये आईब्रो बोन्स को हाईलाइट कर रही हूँ दोनों इनर कॉर्नर्स पे अपने आइज़ के वहाँ पर हाईलाइटिंग की जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रही है लिप्स के ऊपर एंड थोड़ा सा फॉरहेड पर नोज़ ब्रिश पे भी करना है थुडी पे भी कर सकते हो आपको जिधर लगाना है आप लगा लगा सकते हो लास्ट में मैंने क्या किया था ये जो हाईलाइटर बच गई थी थोड़ी थोड़ी उसको मैंने अपने ये वाले जो अ, मेरी जो चेस्ट है मतलब जहाँ मेरा ब्लाउज है उसका जो यहाँ पर नेक एरिया होता है ना वहाँ दो बोन्स होते हैं तो वो हाईलाइट कर दोगे तो काफ़ी अमेजिंग लगता है तो मैंने उसी से हाइलाइटिंग कर दी है नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही लिपस्टिक के लिए पर्पल की लिपस्टिक है ये जो लिपस्टिक है काफ़ी अच्छी शेड है आप देख सकते हो उसका जो पिगमेंट बोलूँ पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है लॉन्ग स्टे करती है लिक्विड लिपस्टिक है ये स्मज नहीं करती है स्मज प्रूफ है किस प्रूफ है एकदम मैट हो जाएगी लगाने के बाद आप चाहो तो लिप लिप बाम लगा सकते हो लेकिन मेरे को लिप बाम की जरूरत नहीं थी क्योंकि फिर वो थोड़ा सा मतलब ग्लॉसी लगने लगता है और मेरे को चाहिए थी पूरी मैट लुक ये थोड़ा सा रेड आ, रेड ब्राउन ब्रिक कलर जो होता है ईट की कलर जो डार्क ईट की कलर आपने देखा उस टाइप का थोड़ा सा कलर है ये बर्गंडी रेड भी बोल सकते हो इसको आप बरगंडी ब्राउन भी बोल सकते हो ठीक है फिर मैंने यहाँ पर ईयर रिंग्स वियर किया है ईयर मेरे जो है वो है जावेरी पर्ल्स की तरफ से इसमें मेरे को ये सेट मिली थी ये है ज्वेलरी पीस जो मेरे को जावेरी पर्ल्स की तरफ से आई थी ठीक है इसको मैंने अपने पैसों से लिया है पीआर पैकेज नहीं है ये इस ज्वेलरी सेट का नेम है जावेरी पर्ल्स वाइट एंड गोल्डन चोकर ज्वेलरी सेट इसमें आपको दो स्टड के मतलब पर्ल टाइप के स्टड गोल गोल आपको ईयर मिलता है प्लस आपको थोड़ा सा हैवी वाला ये चोकर सेट मिल जाता है जिसमें वाइट और गोल्डन का काम है जो कि काफ़ी अमेजिंग लगता है आप किसी भी आउटफिट के साथ डाल लो बहुत अच्छा लगता है फिर मैंने एक रेड कलर की मरून कलर की रेड नहीं है ये क्योंकि लिपस्टिक मरून थी चूड़ा भी जो मैंने पहना था वो भी मरून था तो मरून कलर की शिल्पा की बिंदी लगाई थी इसका जो नंबर है ना काफ़ी छोटा वाला नंबर है ठीक है आप देख लेना लिंक आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट इजीली अवेलेबल है लुक मेरी ओवरऑल कंप्लीट हो गई है बस थोड़ा सा जूड़ा बनाना है मेरे को प्लस चुन्नी वेयर करनी है बस और कुछ बचा नहीं है मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक कपड़े का ब्लाउज़ है ये ब्लाउज को ऐसे ऐसे हाथ में आ, चार उंगली के बीच में मतलब चार उंगली की मदद से उसको लपेट के थोड़ा सा ये मैंने बन टाइप का क्रिएट किया इससे क्या होगा आप जो भी ऊपर से चुन्नी पहनोगे दुपट्टा पहनोगे जो ब्राइड्स पहनती है दुल्हन पहनती है वो ज़्यादा मतलब खिल के आएगा ऊपर जैसे लगेगा कि आपने बन, बन बनाया है ऊपर जबकि हमने बन, बन बनाया नहीं है तो टू इन वन का काम हो गया इससे काफ़ी खूबसूरत सा एक बाउंसी सा लुक आता है ब्राइड्स में ठीक है एंड मैंने यहाँ पर मांग मांगटिका वेयर किया ये फ्लिपकार्ट की मांग मांगटिका है थोड़ा सा इसमें पीच से शेड है आप देख सकते हो लेकिन ये चल जाएगा मेरे आउटफिट के साथ मैंने मैचअप किया है एक एक ब्रांड का मैंने नहीं पहना है अलग अलग ब्रांड की तरफ से थी ये पूरी फोरहेड को कवर कर देती है गाइज एंड नोज रिंग मैंने पहनी थी आप चाहो तो नोज़ पिन भी पहन सकते हो नहीं भी पहन सकते हो लेकिन ये ब्राइडल लुक बिना नथुनी के, के कम्प्लीट नहीं हो रहा था नथुनी भी आपको फ्लिपकार्ट बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है ज़रूर चेक कर लेना लिंक फिर भी मैं दे दूंगी जो जो मेरे को प्रोडक्ट्स अच्छी लगेगी जिसका भी लिंक दे पाऊंगी जरूर दे दूंगी एंड चूड़ा भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगवाया था ये मेरी परचेज थी दो तीन साल पहले की ठीक है रिंग्स वगैरह मैंने पहले से पहने थे एक सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड रिंग है प्लस एक थोड़ी सी गोल्डन फ्लावर वाली रिंग है बस ये मेरी ब्राइडल लुक कंप्लीट हो गई ज़्यादा हैवी नहीं रखा है आप देखोगे जो मैंने ज्वेलरी पहनी है ज़्यादा लटकन वाला नहीं पहना है जो मतलब जो एक दो वाली परत वाली होती है स्ट्रिंग्स जिसमें एक दो लगे होते हैं पोल्स का ज़्यादा काम होता है पेट तक आपकी लटकती रहती है ज्वेलरी उतना बड़ा बड़ा ज्वेलरी नहीं पहना है। ये सिंपल सा एक ब्राइडल लुक मैंने क्रिएट किया है आप ज्वेलरी कोई भी पहन सकते हो मेकअप ये चला सकते हो ठीक है बात करूँ इसकी चुन्नी की तो ये जो आप ब्रांड देख रहे हो ना ये क्रीवा का लहंगा है सब कुछ आपको क्रीवा पे मिल जाएगा अनस्टिच्ड लहंगा आई थी आप इसको ब्राइडल लुक के लिए भी ले सकते हो प्लस कभी वेडिंग गेस्ट बन रहे हो किसी की पार्टी में जा रहे हो उसके लिए भी काफ़ी सही रहेगा ठीक है इसको मैंने दशहरा पे पहना था काफ़ी अमेजिंग है एंड इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो जॉर्जेट की है लहंगा काफ़ी अच्छी लगी मेरे को आप चाहो तो ले सकते हो गाइज हो गया है मेरा ब्राइडल लुक कम्प्लीट आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी कट क्रीज़ कैसा लग रहा है बताना मैंने ज़्यादा कलर को मैचअप नहीं किया है बस ब्लू और थोड़ा सा ग्रे का कॉम्बिनेशन और चॉकलेट ब्राउन से अपनी क्रीज़ लाइनअप बिल्ड की थी बस ज़्यादा कुछ नहीं किया हाइलाइटिंग थोड़ी ज़्यादा है आपको जिस तरह से करना है थोड़ा सा ज़्यादा ब्लश अप्लाई करना है कर सकते हो न्यूड ब्लश अप्लाई करना है न्यूड लिपस्टिक या फिर रेड लिपस्टिक या फिर पिंक लगाना है वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है आप चाहो तो फेक नेल पेंट लगा सकते हो फेक नेल पेंट मतलब फेक नेल्स के ऊपर नेल पेंट लगा सकते हो ठीक है मैंने आप थोड़ा सा सिंदूर पहना था लिपस्टिक लगाया था मैंने सिंदूर लिपस्टिक तो बिना मेरे इसकी लुक कंप्लीट नहीं आ रही थी वो फीलिंग नहीं आ रही थी ब्राइड वाली तो उसको मैंने करना ज़रूरी समझ लिया था तो ये है मेरी ओवरऑल लुक कैसी लगी फर्स्ट ब्राइडल मेकअप है मैंने कभी ब्राइडल मेकअप नहीं किया सो अगर कुछ गलती हुई होगी तो बताना एंड उसके लिए सॉरी अगेन पहला ब्राइडल मेकअप है उतना मेरे को समझ नहीं आता है क्योंकि मैं खुद बिगिनर हूँ मैंने ऐसा क्रिएट किया आप इसको करवा चौथ पे भी कर सकते हो ठीक है न्यू ब्राइड हो उस पर भी कर सकते हो अगर जैसा आपको कोई फंक्शन है पूजा है घर पे तो उस पर भी ये लुक चल जाएगा ठीक है गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है अगर यूजफुल लगी होगी कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब बाई लव यू